नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमाईन। आपसे दरख्वास्त है, आप भी एक मरतबा दुरूद बर मुहम्मद व आलि मुहम्मद अलैहिस्सलाम पढ़ लीजिए। नाज़रीन, हमारे चैनल में आपकी आमद, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। तमाम पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और तमाम दुनिया के तमाम मोमिनीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम और दुरूद की अपील। ये जो अब्दुल कादर साहब मरी, जिनकी कल बहुत वीडियो वायरल हुई, उनके बारे में और भी मालूमात आई हैं और वो यहाँ अपने पाकिस्तान में पहुँच भी गए हैं और ये बलूचिस्तान के रहने वाले हैं। और बलूचिस्तान में यहाँ पर जब वो आए हैं तो लोगों ने, उनके रिश्तेदारों ने खूब हार फूल पहनाए और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनका इस्तकबाल किया। और वहाँ जब वो वहाँ पर थे तो वहाँ सऊदी ख़ानदान तक जब ये इनके बारे में बात पहुँची और लोग क्या क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे इनके बारे में, बहुत बड़ी बड़ी, कि कोई कह रहा था सहाबा के दौर की शख्सियत नज़र आते हैं, कोई कह रहा था कि बहुत नूरानी शख्सियत है, किसी ने कहा कि ये तो कोई फ़रिश्ता मालूम होते हैं, कि शायद ये कोई फ़रिश्ता है, और किसी ने कहा ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से कुछ मिलते जुलते इनका चेहरा है। इस तरीके की बातें वहाँ लोगों ने की। सऊदी ख़ानदान के लोग जब पहुँचे उनके पास, अब्दुल कादर मरी साहब के पास, तो उन्होंने इनके ऊपर इनामात भी बरसाए, दौलत की बारिश हो गई इनके ऊपर। और जनाब, इनकी किस्मत का सितारा ऐसा उरूज पर पहुंचा, पूरी दुनिया में वो मशहूर भी हो गए। अल्लाह लोग किस्म के आदमी हैं, दीनदार किस्म के वो आदमी हैं। अच्छा, मज़ीद ये कि वहाँ सऊदी ख़ानदान में से किसी ने इनसे ये पूछा कि हम आपको कुछ इनाम देना चाहते हैं, आप क्या इनाम लेना पसंद करेंगे, बताइए। तो इन्होंने कहा अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो, चूंकि मैं तो पहले हज कर चुका, ऑलरेडी कर चुका हूं, तो ये है कि मुझे एक मरतबा आप अपने तौर पर जो है ना, मुझे वीज़ा भी जारी करें और मुझे हज पर बुलाएं आप अपने खर्च पर। ये उनकी ख्वाहिश थी, यानी कहने का मतलब ये हुआ और सोचने का भी ये मकाम है कि यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से। हाँ, इन्होंने क्या कहा अब्दुल कादर मरी साहब ने, कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, कि ये जगह जगह जो है ना शोहरत, लोग वीडियो बनाने लगे, कोई लोग हाथ चूमने लगे और इतने इनामात मेरे ऊपर जो है ना इन्होंने लुटाए हैं, इन सब बातों में मेरा कहीं पर कोई कसूर नहीं है, मैं तो आराम से अपने नमाज पढ़ के और मैं चल रहा था, निकल रहा था, तो लोगों ने देखा और ये कुछ हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि तमाम नाज़रीन आप भी सोचिए और हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये शख्सियत यकीनन अल्लाह ताला के कुछ ज़्यादा करीब होंगे और इतने करीब होंगे कि वही गुर्बत, वही सादगी उनकी और उसी हाल में वो थे, लेकिन अल्लाह ताला ने अचानक जो है ना उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये उनका, उनको दुनियावी और उखरवी इनाम भी मिला है कि ज़बाने खल्क को नकारे खुदा समझो, पुराना मुहावरा है, ज़बाने खल्क को नकारे खुदा समझो। तो मतलब ये हुआ कि इनको बहुत शोहरत भी मिल गई, दौलत भी मिल गई, इज़्ज़त भी मिल गई और ये सब अल्लाह ताला ने की तरफ से अता हुई। और अचानक देखें कि अल्लाह ताला किस तरह से किस तरह से जो है ना हालात को पलट के रख सकता है। बेशक इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर बात की कुदरत रखता है। आपसे हम इजाज़त चाहेंगे इस वादे के साथ कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बात वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।